हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सारथी मोटर डील्स। माय नेम इज़ नितिन चौधरी और मैं आज आया हूँ बहुत ही खास जगह, एक खास डिमांड पे। यहाँ पे हर तरह की गाड़ियाँ आपको मिलेगी, मिड सेगमेंट होगी यहाँ पे, हाई सेगमेंट होगी यहाँ पे। गाड़ी की जो प्राइस की शुरुआत यहाँ पे डीलर के पास होती है वो है 1 लाख से, और वो जाती है करीब 15 से 20 लाख तक। तो बहुत मज़ा आने वाला है मुझे तो इस वीडियो को बनाने में, और आई होप आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सो मैं आज आया हूँ ऑटो केयर में, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर ऑटो केयर लिखा है पीछे। और इनकी ना खास बात यह है कि इनके पास मिक्स सेगमेंट की गाड़ियाँ होती है, लो सेगमेंट की गाड़ियाँ थोड़ी कम होती है, क्योंकि दे ओनली डील्स मोस्टली इन हाई सेगमेंट। तो इनके पास यहाँ पे लग्जरियस कार भी है और इंडियन ओरिएंटेड कार्स भी हैं इनके पास। तो शुरुआत करते हैं पहली गाड़ी से, बिना देरी करे इस वीडियो में। हाँ जी, तो पहली गाड़ी है ये मेरे पास, निसान टेरनो, 2014 मॉडल है गाड़ी और फर्स्ट ओनर कार है और 60,000 गाड़ी चली हुई है। और बात करें गाड़ी की, वही एसयूवी सेगमेंट में आती है गाड़ी, बहुत प्यारी गाड़ी लगती है। अगर कंडीशन की बात करें गाड़ी की, तो यार मुझे तो कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा है गाड़ी पे। गाड़ी के टायर बिल्कुल नई कंडीशन में, 90% टायर है गाड़ी के, और क्रोमिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की। अगर गाड़ी के अंदर की बात करें, तो अंदर आपको यहाँ पे लेदर सीट्स मिल रही है ब्लैक कलर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं गाड़ी को, यार मज़ा आ रहा है गाड़ी को देख के। अगर बात करें गाड़ी की बम्पर की, तो बम्पर भी एक बार देख लेते हैं यार पीछे कैसा है। ओके, बम्पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ओरिजिनल पेंट है गाड़ी का, क्या बात है, मतलब कि स्क्रैचलेस कार है बिल्कुल। लुक इसका बिल्कुल डस्टर जैसा होता है, थोड़े फीचर इसमें ज़्यादा होते हैं डस्टर से। और डैशबोर्ड की बात करें, बिल्कुल साफ़ है, कोई स्क्रैच नहीं है गाड़ी में। सबसे अच्छी तो मुझे इसकी सीट्स लगी हैं ब्लैक कलर की, बहुत अच्छे कवर दिए हुए हैं इसमें। और अगर गाड़ी की प्राइस की बात करें, तो यार बहुत जेन्युइन प्राइस मांगे जा रहे हैं, वो भी नेगोशिएबल है। तो गाड़ी का प्राइस है 5,25,000 रुपये, 2014 मॉडल, फर्स्ट ओनर, और अगर आप बैठ के बात करोगे ऑन टेबल तो कम हो जाएगा। अगली गाड़ी है मेरे पास ये गाड़ी, टोयोटा की फॉर्च्यूनर, 4x4 गाड़ी है, कंडीशन गाड़ी की एक नंबर है, बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी देखने में। और यार ये गाड़ी ना उनके लिए है जो एसयूवी लवर्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर गाड़ी इस डीलरशिप पे एसयूवी है, और मुझे भी एसयूवी बहुत पसंद है। गाड़ी की क्रोमिंग की बात करें, बिल्कुल साफ़ है। फ्रंट के जो बम्पर की बात करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई इसमें स्क्रैच नहीं है। नंबर गाड़ी का छोटा है, UK07BD0089, बहुत छोटा नंबर है। सेकंड ओनर है और 2011 मॉडल है गाड़ी का, और गाड़ी चली है सिर्फ 72,000 किलोमीटर्स, और गाड़ी का प्राइस भी बहुत जेन्युइन है। गाड़ी का प्राइस रखा है 10,50,000 रुपये, काफ़ी जेन्युइन प्राइस है और नेगोशिएबल भी है। अगर आप ओनर से आके बात करोगे तो कम हो जाएगा, आके बैठो बात करो, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल साफ गाड़ी है। ओके जी, तो अगली गाड़ी आप देख ही रहे हो अपनी स्क्रीन पे, चमचमाती लाल कलर में मर्सिडीज CLA 200, मज़ा आ गया देख के गाड़ी को, तो क्या ही कंडीशन है और क्या चमक रही है लाल कलर में। CLA की वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, काफ़ी डीलरशिप में गया हूँ मैं, पर ये इस कंडीशन में CLA बहुत कम मिलती है। और गाड़ी है 2016 मॉडल, फर्स्ट ओनर कार है, और गाड़ी चली हुई है सिर्फ 43,000 किलोमीटर्स, और गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया है, जेन्युइन प्राइस मांगे जा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ओनर के हिसाब से, और प्राइस गाड़ी का रखा गया है सिर्फ 21 लाख रुपये। और गाड़ी की कंडीशन देखोगे तो यार प्यार हो जाएगा गाड़ी से, बहुत ही प्यारी कंडीशन है गाड़ी की, क्रोमिंग, DRLs, गाड़ी का टायर 90% है। तो गाड़ी में आपको यहाँ मिल रहे हैं ब्लैक कलर के सीट कवर्स, फ्रंट लुक गाड़ी का बहुत एग्रेसिव है, बहुत अच्छा लगता है, खासकर रेड कलर इसको बहुत ही ना एनर्जेटिक बना रहा है, बहुत अट्रैक्टिव बना रहा है रेड कलर इसको, और मज़ा आ गया गाड़ी को देख के, बहुत अच्छी कंडीशन है गाड़ी की। बम्पर टू बम्पर बिल्कुल क्लीन है, नीट है, जेन्युइन पार्ट गाड़ी में लगे हुए हैं, और आई थिंक गुड टू गो कार है। सो भाई जल्दी से आओ, 21 लाख में आपको मर्सिडीज़ मिल रही है CLA 200, क्या बुरा है, बाकी नेगोशिएबल प्राइस है, आप आके बात करोगे बैठोगे टेबल पे तो कम हो जाएगा। तो गाइस, अगली गाड़ी है मेरे पास टाटा की फ्लैगशिप कार, टाटा हैरियर, ये है जी टॉप मॉडल, और 2019 मॉडल है गाड़ी का। गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारी है, क्रोमिंग अच्छी लग रही है गाड़ी की। और जब हैरियर मार्केट में आई थी, तो गाड़ी ने बहुत ज़्यादा यू नो बज़ बनाया था मार्केट में, और सबसे सेफेस्ट कार है टाटा की, इसको अवार्ड मिले हुए हैं काफ़ी सारे। यार दूर से गाड़ी आती है तो अलग ही फील देती है, बहुत अलग, बहुत अट्रैक्टिव है कार। टाटा की गाड़ी है, इंडियन कार है, मात्र 26,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, फर्स्ट ओनर कार है, और प्राइस की बात करें तो यार बहुत जेन्युइन प्राइस है, क्योंकि 1 साल पुरानी गाड़ी है, केवल 1 साल के हिसाब से बहुत जेन्युइन प्राइस इसका रखा गया है, सिर्फ 16.5 लाख इसका प्राइस है, वो भी नेगोशिएबल है, आप बैठोगे तो हो जाएगा कम। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, लेदर सीट कवर्स हैं जो कि कंपनी फिटेड है, और अभी तक गाड़ी में पन्नी चढ़ी हुई है, पन्नी भी नहीं उतरी गाड़ी की, बिल्कुल नई कंडीशन गाड़ी आपको मिल रही है। अगर बात करें नई गाड़ी की, तो ये टॉप मॉडल है, नया आपको टॉप मॉडल हैरियर 20 लाख का पड़ेगा, 1 साल के अंदर आपको 3.5 लाख रुपए का फायदा यहाँ पे हो जाएगा। डैशबोर्ड बहुत प्यारा सा है, बहुत
सिंपल सा लग रहा है पर लेकिन बहुत एलिगेंट है। बात करें इसकी स्क्रीन की, टच स्क्रीन है, इसमें आप नेविगेशन कर सकते हो, आप सॉन्ग प्ले कर सकते हो। गाड़ी आती है 4x4 में, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ पे आपको मिलेगा पुश स्टार्ट बटन, जो गाड़ी स्टार्ट आप इससे इस बटन को दबा के कर सकते हो। और गाड़ी में फीचर्स काफ़ी सारे हैं, गाड़ी में आपको सेफ्टी के लिए एयरबैग्स मिल जाएंगे, पूरी गाड़ी में मिलते हैं। और JBL के स्पीकर हैं, अगर आप गानों के शौकीन हो यार, अगर ट्रैवल करते हो आपको गाने सुनने में बड़ा मजा आता है, गाड़ी में JBL के स्पीकर लगे हैं, तो यार क्वालिटी तो आपको पता है कि क्या आने वाली है। हाँ जी, तो गाइज अगली गाड़ी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, BMW की 320D यहाँ पे आपको मिल रही है। और भाई गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया है, ये जो ब्लू कलर है बहुत उसको अट्रैक्टिव बना रहा है। गाड़ी का मॉडल आपको मिलेगा 2012 और गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से प्राइस भी बहुत अच्छा रखा गया है, बहुत जेन्युइन है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत जेन्युइन है क्योंकि सेकंड ओनर है। गाड़ी क्योंकि चली है सिर्फ मात्र 40,000 किलोमीटर और गाड़ी का प्राइस रखा गया है सिर्फ 11 लाख रुपये। 40,000 गाड़ी चली हुई है, कंडीशन गाड़ी की बहुत बढ़िया है। बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर गाड़ी का बहुत अच्छा है। तो गाड़ी में यहाँ पे आपको छोटे मोटे स्क्रैच हल्के से मिल जाएंगे यहाँ पे मिरर्स पे, साइड मिरर्स पे। और गाड़ी की अगर अंदर की बात करें, गाड़ी बिल्कुल साफ है, डैशबोर्ड गाड़ी का बहुत अच्छा है, गाड़ी की जो ब्रांडिंग है इसके स्टेयरिंग पे वो बहुत अच्छी लगती है। बड़ी सी स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, AC बहुत पावरफुल है गाड़ी का और ऑटोमेटिक गियर है गाड़ी में, बड़ा मज़ा आता है, बहुत ईजी टू ड्राइव है कार। और गाड़ी की जो सीट कवर्स हैं, क्रीम कलर के सीट कवर्स हैं, बहुत कंफर्टेबल है। गाड़ी की सीट्स में साइड रेस्ट भी आपको मिल जाएगा आराम से। और गाड़ी की बात करें यहाँ पे अंदर के स्पेस की, तो यार गाड़ी में स्पेस काफ़ी अच्छा है, फैमिली कार है ये और आराम से 4 लोग बहुत कंफर्टेबल होकर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। सिडान कार है, सिडान कार के हिसाब से इस गाड़ी का बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है। तो 11 लाख में गाड़ी बिल्कुल बुरी नहीं है क्योंकि गाड़ी सिर्फ चली है 40,000 किलोमीटर। तो भाई अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। तो गाइज अगली गाड़ी है मेरे पास, टाटा सफारी स्टॉर्म। भाई टाटा सफारी अपने टाइम की बहुत ही मतलब कि फेमस कार है और 2012 मॉडल मेरे पास अभी खड़ी है। गाड़ी के टायर्स आप देख रहे होंगे बहुत ही प्यारे हैं, मतलब कि यार ओनर को लग रहा है अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था। और गाड़ी में टायर्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, 90% टायर आपको मिलेंगे, मैं तो कहूँगा 100% गाड़ी का टायर है। और टॉप मॉडल है गाड़ी का और चली हुई है गाड़ी 1 लाख किलोमीटर्स। और इसका जो प्राइस यहाँ पे रखा गया है वो है 5 लाख रुपये, नेगोशिएबल है। किसी भाई को लगता है ज़्यादा है तो आके भैया बैठो, नेगोशिएबल करो अगर गाड़ी पसंद आती है तो। और गाड़ी के फ्रंट की बात करें, गाड़ी का फ्रंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत एग्रेसिव लुक देता है टाटा सफारी का हमेशा से ही, बहुत ऊंची गाड़ी है, SUV में आती है गाड़ी। और बात करें इसके इंटीरियर की, बहुत कंफर्टेबल स्पेस है गाड़ी के अंदर और बड़ी स्पेसेस गाड़ियाँ होती है SUV, खासकर ये स्टॉर्म सफारी। तो टाटा के पास 2 गाड़ियाँ होगी, इससे पहले मैंने आपको हैरियर दिखाई थी 2019 मॉडल, ये 2012 मॉडल है टाटा सफारी। और गाड़ी की कंडीशन बहुत मिंट कंडीशन है, बहुत अच्छा स्पेस है गाड़ी के अंदर, एक फैमिली कार है ऑब्वियसली, लॉन्ग टूर के लिए ऐसी गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती है। जैसे टायर्स इस गाड़ी में है उसमें तो यार चलाने में बड़ा मज़ा आने वाला है। बूट स्पेस आपको बताया कि गाड़ी का बहुत अच्छा होता है। तो अगली गाड़ी मेरे पास बहुत डिमांड में रहने वाली गाड़ी है, ये है हुंडई की वर्ना, टॉप मॉडल कार है और 2017 मॉडल है गाड़ी का और सिर्फ 39,000 किलोमीटर चली है, फर्स्ट ओनर कार है। गाड़ी की कंडीशन देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, बहुत प्यारी कंडीशन है गाड़ी की, क्रोमिंग बहुत नीट एंड क्लीन है, इसका फ्रंट बम्पर अच्छा है, बैक बम्पर अच्छा है। साइड्स की बात करें तो DRL इस गाड़ी में दिए हुए हैं। तो गाड़ी में यहाँ पे 70% टायर आपको मिल रहे हैं विद एलॉय व्हील्स। साइड गाड़ी की बहुत नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं है गाड़ी में, मैंने भैया से बात की थी यहाँ पे जो ओनर है, गाड़ी डेंट पेंट भी नहीं है, जरा सी भी पेंट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल कार है पूरी। और 4 लोग आराम से गाड़ी में कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर गाड़ी के अंदर की बात करें तो आप देख रहे होंगे पूरा स्पेस गाड़ी का बहुत अच्छा है और गाड़ी में लेदर सीट कवर्स हैं क्रीम कलर का, एक बड़ी सी स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आई थिंक गुड टू गो कार है और 7 लाख इस गाड़ी की डिमांड है, आप थोड़ा बैठो बात करो, नेगोशिएट करो, पर 17 मॉडल है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छे बहुत जेन्युइन प्राइस है गाड़ी के। तो गाइज अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। तो गाइज अगली जो गाड़ी मेरे पास यहाँ पे है बहुत डिमांड में रहने वाली गाड़ी है, ये मोस्टली कमेंट्स जो मेरी वीडियोस में आते हैं वो इसी गाड़ी के लिए आते हैं। और गाड़ी की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, जो गाड़ी मेरे पास है वो है आज ये स्विफ्ट डिज़ायर। गाड़ी की कंडीशन बहुत प्यारी है, थोड़ी डस्ट अभी गाड़ी पे लगी हुई है नो डाउट। गाड़ी VDI मॉडल है, डीजल इंजन में गाड़ी आती है, गाड़ी सिर्फ 78,000 चली हुई है, गाड़ी की आस्किंग भी बहुत जेन्युइन है यहाँ पे। 2015 मॉडल के हिसाब से जो प्राइस इसका रखा गया है वो है मात्र 4,80,000 रुपये, पर ये प्राइस नेगोशिएबल नहीं है गाइज। अगर आप यहाँ पे आते हो, जेन्युइन बायर हो, आपको गाड़ी वाकई पसंद आती है, तो आप यहाँ पे आके गाड़ी को ले सकते हो। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें, गाड़ी का इंटीरियर यहाँ पे बहुत सिंपल और सोबर होता है, आपको बताइए स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में। गाड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है, बहुत जल्दी सेल आउट होती है। तो गाड़ी का फ्रंट बम्पर और बैक बम्पर बहुत ही नीट एंड क्लीन है, आप देख रहे हो गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मैं आपको इसी डीलर से एक अच्छी गाड़ी भी दिखाने वाला हूँ बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा वो गाड़ी दिखा सकूँ। तो गाइस ये गाड़ी है मेरे पीछे,
थार नहीं है यार, बुलेरो है ये गाड़ी। मॉडिफाई की हुई है ये गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से, पूरा 4x4 लुक गाड़ी को दिया गया है, बहुत अच्छे से मॉडिफाई की है गाड़ी। गाड़ी के टायर्स देखोगे कितने चौड़े टायर्स गाड़ी में लगाए गए हैं, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में टायर्स भी। और भाई जिस भी बंदे के पास ये गाड़ी थी ना, उसने बहुत ही ज़्यादा केयर की है गाड़ी की। गाड़ी का इंटीरियर, गाड़ी का एक्सटीरियर बहुत ही नीट एंड क्लीन है। दूर से देख के तो लगती है कि थार ही आ रही है सामने से। लाइट्स गाड़ी में काफ़ी सारी दी गई है, बम्पर बहुत अच्छा बनाया गया है गाड़ी का, इवन पीछे का स्पेस छोड़ा गया है सामान वामान रखने के लिए। इस गाड़ी की डिटेल्स आपको मिलेगी यहाँ पे आने के बाद। आप यहाँ पे आइए, एक डीलरशिप से बात कीजिए, और अगर गाड़ी पसंद आती है तो लेके जाइए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जब आप इतना प्यार देते हो हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी तक आपने बहुत प्यार हमारी हर वीडियो में दिया है, और वाकई बहुत अच्छा लगता है जब इतनी सपोर्ट आपकी तरफ से मिलती है। मतलब जिस भी डीलरशिप के पास हम जाते हैं उनके पास भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपके थ्रू। और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए दोस्तों। और गाइज बस इतना ही है, तहे दिल से आपका शुक्रिया इस प्यार के लिए। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई डीलरशिप के पास, जहाँ पे खड़ी होगी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आपके लिए। तो गाइज किस बात का वेट है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और वीडियो करो शेयर। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे।